नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आज मैं आपको स्वप्न दोष के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, खासकर जिनको नाइटफॉल की समस्या हो जाती है युवाओं में, या फिर धातु कमजोर है। कुछ लोगों का कहना था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या और ऐसी कई समस्याएं इसके आसपास की, पेशाब के साथ धातु का आना या फिर धातु मार्ग का, हमारे धातु के कोष का कमजोर पड़ जाना, कमजोरी आ जाना नसों में, तो उसकी चीज के लिए कोई ऐसा प्रयोग बताओ कि जो कि नुकसान भी ना करे, क्योंकि अश्वगंधा ये वो सब चीजें कई बार लेते हैं तो कई गर्मी कर जाती हैं, तो कुछ ऐसा बताओ कि जल्दी असर कर जाए। क्योंकि दवाइयां कई तरह की हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, कुछ दवाइयां आयुर्वेद में ऐसी होती हैं कि जल्दी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है और फिर जल्दी उसका असर शुरू होता है। तो जो आज नुस्खा मैं बताऊंगा, ये दवाई बहुत महीन है, बहुत बारीक है और बड़ी जल्दी बॉडी में लगती है जाके। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जान लें कि ये जो दवाई है इसको हो सके तो किसी वैद्य के परामर्श से भी लिया जाए, क्योंकि वो फिर आपको बता देगा कि हाँ इसको आप मात्रा कितनी बढ़ाएं या कितनी घटाएं या कब लें, ज्यादा बेहतर वो आपको लाइव मिल करके ही वैद्य बता सकते हैं। फिर भी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जागरूक करूं, बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद भी चीज को अगर लोगे तो समझ सोच के ही लोगे। तो ये चीज जो तीन चीजें आपने लेनी है, इसमें आपको बंग भस्म लेनी है। पहले तो बंग भस्म ये रामबाण है, अक्सीर है, जो नाइटफॉल के लिए, स्वप्न दोष के लिए, धातु क्षीणता के लिए और नसों की कमजोरी के लिए। बंग भस्म ले आइए आप बाजार से। कितनी ले आनी है, आप लगभग लगभग आपको रोजाना की आधा ग्राम चाहिए होगी, तो आप महीना भर लेनी है तो आप 15 ग्राम ले आइए। इसी तरह से 15 ग्राम आप प्रवाल पिष्ट ले आइए, 10-10 ग्राम भी शुरू में अगर एक पैकेट मिल जाए तो बहुत है। पहली चीज मैंने बताई बंग भस्म, दूसरी चीज बताई प्रवाल पिष्टि, दोनों को बराबर लेना है। और जितनी मात्रा में ये दोनों की क्वांटिटी होगी उससे डबल मात्रा में आपको लेनी है कबाब चीनी। कबाब चीनी काली मिर्च की तरह होती है देखने में और थोड़ी हल्की गर्म भी होती है, हालांकि गर्म तो बंग भस्म भी होती है। फिर आप कहेंगे जी अब मुझे तो गर्म चीजें सूट नहीं करती, मैं तो पित्त प्रकृति वाला भी हूं, या मुझे आगे गर्मी पड़ जाती है, गर्म दवाइयां सूट नहीं करती, इसीलिए हमने बीच में प्रवाल पिष्टि डाली है जो कि इन दोनों को बैलेंस कर लेती है और बड़ी ताकतवर भी है, बड़ी अच्छी है। तो वो तीनों चीजों को आपने लेना है। मैं फिर बता दूं रेगुलर की डोज कितनी है, एक दिन की डोज कितनी है, एक दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं वैद्यकीय परामर्श से। तो एक बार मैं कहूंगा, एक बार लेने के लिए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो सभी को सूट कर जाएगी। फिर भी अगर सुबह शाम लेनी है, कितनी मात्रा में या कब दी जाए, फिर वो वैद्य ही बताएगा आपको, आपके पास वाला कोई नजदीकी जो आपको जानता हो, आपको पहले अंदर से सारी आपकी बॉडी को समझ ले पहले। तो ये जो प्रयोग करना है, एक बार तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कब करना है, या नाश्ते के घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या शाम को, या रात को सोने से आधा पौना घंटा पहले, जब मर्जी आप इसको ले सकते हैं। करना कैसे है, मेरे हिसाब से तो इसको आप सूर्य ढलने से पहले पहले ले लो। करना कैसे है, आपको एक रत्ती लेनी है बंग भस्म। एक रत्ती का मतलब होता है 1 ग्राम का चौथा हिस्सा, यानी 125 मिलीग्राम। 125 मिलीग्राम ग्राम का चौथा हिस्सा होता है, यानी 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम हुआ, तो एक रत्ती 1/4 ग्राम हो गया। 1/4 ग्राम बंग भस्म, 1/4 ग्राम डालनी है प्रवाल पिष्टि, और आधा ग्राम के करीब करीब, यानी 4 रत्ती लेनी है आपको कबाब चीनी। तीनों को मिक्स करके आपने इसको मलाई में मिक्स करके चाट लेना, चाहे सुबह 12-1 बजे ले लो, लंच से पहले आधा घंटा ले लो, लंच के आफ्टर लंच ले लो, चाहे 1-1.5 घंटे बाद। तो ये मलाई में मिक्स करके लेंगे तो और भी ज्यादा ठंडी होगी, शीतल होगी और अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगी। तो ये बड़ी जल्दी नसों की वीकनेस के लिए, लिकोरिया के लिए माताओं बहनों को, या फिर पुरुषों में पेशाब के साथ धातु का आना या वीकनेस हो गई है, उस वजह से नसों को दोबारा से रिवाइव करना है, तो ये सब चीजों में काम आएगी, खासकर जिनको युवाओं ने स्वप्न दोष के लिए पूछा था। तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा कारगर प्रयोग है, आयुर्वेद का ही ये है प्रयोग, मैं खुद के मनगढ़ंत प्रयोग नहीं बता रहा, ये बड़ा अच्छा माना हुआ प्रयोग है। तो इसको आप करिएगा, और कितनी दिन करना है, 1 महीना कर लें काफी है,
फिर भी जरूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं 10-15 दिन, लेकिन इसके साथ साथ तली चीज़ों का परहेज रखना, या बहुत मिर्च मसाला ना खाना, या बहुत ज़्यादा असंयम ना रखना, बस इतना का ध्यान रखना, प्राणायाम डेली करना, मालिश हो सके तो शरीर की करना, और थोड़ा बहुत धीरे धीरे कोशिश करके आप आहार को भी बदलना, टाइम पे मील्स लेना, अच्छे डाइट लेना, हेल्दी खाना में फ्रूट्स आ गए समय समय पे, जो चीज़ जिस चीज़ का टाइम है उस पे चीज़ लेते जाना, बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यदि आप चाहें तो इसको आप मलाई की जगह पे शहद से भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, अपना एक चॉइस है, लेकिन मलाई से इसलिए बोला था कि कोई भी गर्म दवाई अगर मलाई से दी जाए तो ना तो वो गर्मी करती है और ना ही वो वात को बढ़ने देती है, वात को भी बैलेंस कर लेगी, पित्त को भी बैलेंस कर लेगी और बाकी भी सब बैलेंस कर देगी। तो शहद से भी, जिसको अगर लगता कि नहीं मेरे से अंदर निगली नहीं जाती मलाई से, या मलाई मुझे अच्छी नहीं लगती, तो शहद से ले लो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसके बाद दूध भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूध भी हल्का गुनगुना आप दूध ले सकते हैं, रात को लेनी है रात को ले लो, दोपहर को लेनी दोपहर को, सुबह लेनी सुबह ले लो, दिन में एक बार भी ले लें तो आप महीने डेढ़ महीने में ही फर्क देखेंगे बहुत अच्छा। और साथ ही साथ मैं कह दूं कि खट्टी चीज़ों का, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, खट्टी चीज़ों का बासी तली और मिर्च मसाले वाली, मैदा आदि, या बहुत ज़्यादा ये खराब डाइट मत लेना। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।